कहानी की शुरुआत में हमें सॉयर फैमिली को दिखाया जाता है, जहां पर जेट सॉयर का आज बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा था। यहां पर उसके फादर ड्रेटन सॉयर और उसके भाई के साथ उसकी आंटी वर्ना सॉयर भी मौजूद होती हैं। यहां पर इन लोगों ने एक आदमी को बांध रखा होता है जो इनके पिग यानी सुअर की चोरी करने आया था। वर्ना जेट को उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में उसे एक चैनसॉ देती है। उसके बाद वो जेट को उस चैनसॉ की मदद से उस आदमी को मारने के लिए कहती है। इसके बाद ड्रेटन चैनसॉ को स्टार्ट कर देता है। उसकी फैमिली के सभी लोग उसे चीयर्स भी करने लगते हैं, पर जेड उस आदमी को मारना नहीं चाहता था। ड्रेटन जेड से जबरदस्ती करने लगता है, जिससे उस आदमी की एक टांग कट जाती है। इसके बाद जेड चैनसो को नीचे फेंक देता है। जब जेड उस आदमी को नहीं मारता तो उसके ग्रैंडपा उसके सर पर एक हथौड़े से अटैक करके उसे मार डालते हैं। अगली सुबह हम बेटी और टेड को एक कंट्री रोड पर ड्राइविंग करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक पिग आ जाता है, लेकिन टेड किसी तरह उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो अपने ट्रक को रोकता है। बेटी उसे देखने के लिए ट्रक से उतर कर जाती है। बेटी जब उसके थोड़ा नजदीक जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक छोटा लड़का था जो एक पिक की बॉडी पहने हुए था और उसने अपने हेड पर एक कैडल का हेड लगाया हुआ था। वो लड़का बेटी से हेल्प मांगता है और वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। बेटी भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। टेड उसे रोकने की कोशिश करता है। बेटी जब उस लड़के के पीछे जाती है तो उसे वहाँ पर एक पुराना बार्न यानी तबेला दिखाई देता है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे वो लड़का दिखाई देता है, लेकिन तभी वो खुद एक ट्रैप में फंसकर गड्ढे में गिर जाती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का जेड होता है, जो अपने फादर और ब्रदर के साथ मिलकर ये सब कर रहा था। अब ये लोग बेटी के ऊपर एक बड़ा सा इंजन गिरा कर उसे मार डालते हैं। कुछ ही देर बाद इस क्राइम सीन पर पुलिस भी पहुँच जाती है। टेड भी बेटी के पीछे गया होता है, लेकिन उसे यहाँ पहुँचने में काफी देर हो चुकी होती है। बेटी के फादर हार्टमैन भी यहाँ पर पहुँच गए होते हैं, जो यहाँ के शेरिफ होते हैं। हार्टमैन को अपनी बेटी की मौत का बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन ड्रेटन के खिलाफ कोई भी सबूत न मिल पाने के कारण वो उसका कुछ भी नहीं कर पाता। अब हार्टमैन इनसे बदला लेने के लिए जेट को अपनी कस्टडी में ले लेता है। हार्टमैन ने जेट की प्रोटेक्शन के लिए उसे कस्टडी में लिया था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्राइम होते थे उनमें सॉयर फैमिली का नाम जरूर जुड़ा होता था। इसीलिए हार्टमैन जेट को चाइल्ड इंडेंजरमेंट के तहत अपनी कस्टडी में ले लेता है। जेट की आंटी बर्ना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद जेट को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है। ये एक ऐसा चाइल्ड केयर प्रोग्राम होता है, जहाँ पर ऐसे लड़कों को रखा जाता है जो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले फैमिली से बिलोंग करते थे। इसके 10 साल बाद यहाँ पर एक नई नर्स आती है, जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। डॉक्टर एलिजाबेथ को बताता है कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं इनका नाम चेंज किया गया है, ताकि वो अपने पास्ट को भूल सके, और अगर ये पेशेंट यहाँ नहीं होते तो कोई न कोई क्राइम कर चुके होते और जेल में सड़ रहे होते। डॉक्टर एलिजाबेथ को केयरफुल रहने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ वहाँ पर बड नाम के एक लड़के से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बड कोई रिप्लाई नहीं करता तो बड का फ्रेंड जैक्सन उससे बात करने लगता है। यहाँ पर आइक नाम का लड़का दूसरे लड़कों के साथ बदतमीजी कर रहा था। जब एलिजाबेथ उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे ही हैरेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक्सन वहाँ आकर उसको बचा लेता है। जब एलिजाबेथ बाथरूम में जाती है तो वहाँ देखती है कि क्लैरिस नाम की लड़की दूसरी लड़की को जबरदस्ती एक चूहे को खिला रही थी। जब एलिजाबेथ उसके पास जाती है तो वो उसको छोड़ देती है। इसके बाद एक डॉक्टर एलिजाबेथ के पास आकर आइक और बड के झगड़े के बारे में पूछता है। वो डॉक्टर से कहती है कि बड इसमें शामिल नहीं था। डॉक्टर एलिजाबेथ से कहता है कि बड को इस समय थेरेपी की जरूरत है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के वहाँ से चले जाने के बाद जैक्सन एलिजाबेथ से अकेले में मिलता है। वो उससे हेल्प मांगता है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि डॉक्टर लैंग थेरेपी के नाम पर एसीटी चैम्बर में हम सबको टॉर्चर करता है। अगर तुम चाहो तो आज रात अपनी आंखों से देख सकती हो, और हो सके तो तुम हमारी मदद भी कर सकती हो। अब कुछ समय बाद यहाँ जेट से मिलने के लिए बर्ना आती है। अब बर्ना की शादी एक अमीर आदमी से हो गई होती है। वो पिछले कई सालों से जेट से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फाइनली अब उसके पास लॉयर अफोर्ड करने के पैसे हैं। बर्ना का लॉयर जेट से मिलने के लिए कोर्ट ऑर्डर लाया था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जेट को यहाँ लाने के बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया था। डॉक्टर लैंग को भी इसके बारे में पता नहीं था, और क्योंकि पुराने नाम का रिकॉर्ड बहुत सेंसिटिव होता है, इसीलिए डॉक्टर लैंग वर्ना को एक दूसरा कोर्ट ऑर्डर लेकर आने के लिए कहता है। ये सुनकर वर्ना को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि आज वो जेट से जरूर मिलेगी। वर्ना यहाँ से उठकर अब बाथरूम में चली जाती है। इधर एलिजाबेथ देखना चाहती थी कि एसीटी चैम्बर में डॉक्टर
बट के साथ क्या करता है, इसीलिए वो चुपके से वहां पर जाती है। वो देखती है कि डॉक्टर बट को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था और वहां पर आइक भी था, यानी आइक का नंबर दूसरा था। ये देखने के बाद एलिजाबेथ हैरान रह जाती है। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वरना बाथरूम से निकलकर चली गई थी और वो नर्सेस को भी मारती है, जिसकी वजह से सभी बच्चे वहां से भागने लगे थे। तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, इसीलिए लैंग सिचुएशन का पता लगाने के लिए बाहर चला जाता है। तभी बर्ड खुद को आजाद कर लेता है और वो वहां के दोनों गार्ड्स को मारकर बेहोश कर देता है। अब इधर सिक्योरिटी वालों ने बर्ना को पकड़ लिया था, जिसके बाद वो उसे बाहर निकाल देते हैं। आइक बर्ड से हेल्प मांगता है तो बर्ड उसे भी आजाद कर देता है। अब यहाँ पर जितने भी पेशेंट थे वो सब आजाद हो चुके थे और वहाँ उनके सामने जो भी आ रहा था वो उनको मारकर आगे बढ़ रहे थे। जब डॉक्टर लैंग अपने ऑफिस में जाता है तभी उसके पीछे बर्ड भी पहुंच जाता है और बर्ड डॉक्टर के सर को खिड़की में मारकर उसे मार देता है। अब एलिजाबेथ यहाँ से एक नर्स के साथ निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक पेशेंट आकर उस नर्स को मार देता है। वो पेशेंट अब एलिजाबेथ की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और उस पेशेंट को मार देता है। उस पेशेंट को मारने के बाद जैक्सन एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कार को लेकर आइक और क्लेरिस भी पहुँच जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर इनको बर्ड भी मिल जाता है। बर्ड ने आइक की मदद की थी, इसीलिए आइक बर्ड को कार में बैठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो सभी एक जगह पर रुकते हैं। आइक कहता है कि अब हम लोग मैक्सिको जाने वाले हैं क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ पर है, लेकिन बर्ड और जैक्सन को अपनी फैमिली के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब सभी लोग अपने कपड़े चेंज करने लगते हैं तो एलिजाबेथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्लैरिस उसको पकड़ लेती है और एलिजाबेथ को भी जबरदस्ती साथ में जाना पड़ता है। अब वहाँ पर इंस्टीट्यूट में क्राइम सीन पर शेरिफ आर्टमैन भी पहुँच जाता है। वो डॉक्टर की डेड बॉडी को देख कर कहता है कि ये काम किसी कन्फ्यूज्ड चाइल्ड का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक इविल है और मुझको पता है कि वो कौन है। अब असल में हार्टमैन का इशारा जेड की तरफ था, यानी बर्ना का भतीजा। अब इसके बाद वो पूरी पुलिस फोर्स को उनके पीछे लगा देता है। अब बर्ना को भी पता चल चुका था कि इंस्टीट्यूट से तीन लड़के भाग चुके हैं। वो उनके पीछे अपना एक जासूस लगा देती है। शेरिफ आर्टमैन भी अपने लोगों से उन्हें देखते ही शूट करने का ऑर्डर दे देता है। अब ये सभी चलते चलते एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। आइक वहां से खाना, पैसा और मैक्सिको जाने के लिए कार लूटने का प्लान बनाता है, जिसके बाद बर्ड बाहर ही इंतजार करता है और वो चारों दो कपल बनकर अंदर जाते हैं। आइक और क्लेरिस पेट भरकर खाना खाते हैं, लेकिन जैक्सन और एलिजाबेथ कुछ भी नहीं खाते। क्लेरिस को उसके पीछे वाले आदमी के पास एक गन दिखाई देती है। वो दोनों उसको लेने के लिए प्लान बनाते हैं। क्लेरिस जानबूझकर एक ग्लास को नीचे गिरा देती है और जैसे ही एक वेट्रेस वहां पर आती है, आइक उस पर अटैक कर देता है और क्लेरिस एक चाकू से पीछे वाले आदमी को मारकर उसका गन ले लेती है। अब जो भी उसके सामने आता वो सबको शूट करके मारने लगती है। काउंटर के पीछे रखे शॉट गन को आइक ले लेता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर वहाँ पर आए हुए सभी लोगों को लूट लेते हैं। आइक उस वेट्रेस को भी शूट करके मार देता है। एलिजाबेथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बर्ड उसे पकड़ लेता है। जब ये सभी वहाँ से एक कार में बैठकर भागने लगते हैं, तभी एक आदमी उनकी तरफ गोली चलाने लगता है। वो गोली बर्ड को लग जाती है। इसके बाद ये सभी जल्दी से एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर हार्टमैन भी पहुँच जाता है। वो जान जाता है कि ये काम उन्हीं का है। उधर इस कार में फ्यूल कम होने की वजह से कुछ दूर जाने पर वो कार रुक जाती है, जिसके बाद ये सभी पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जंगल के बीच इनको एक पुराना ट्रेलर मिलता है। जब सभी चेक करते हैं तो उसके अंदर ट्रेलर के ओनर की डेड बॉडी मिलती है, जिसने सुसाइड किया हुआ था। यहाँ पर इन्हें रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह मिल चुकी थी। अब आइक और क्लेरिस रात में उस डेड बॉडी के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत करते हैं, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। जैक्सन भी सो जाता है और बर्ड बाहर पहरा दे रहा था। जब सभी लोग सो जाते हैं तो मौका देखकर एलिजाबेथ वहां से भाग जाती है, लेकिन तभी वहां पर आइक आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसका रेप करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर जैक्सन आकर उसे मारने लगता है। जैक्सन एलिजाबेथ को वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पर क्लेरिस शॉटगन के साथ आती है। बर्ड के पहरा देते समय एलिजाबेथ वहां से भाग निकली थी, इसीलिए आइक बर्ड को उल्टा सीधा बोलने लगता है। क्लेरिस जैक्सन और एलिजाबेथ को लेकर ट्रेलर में चली जाती है। अब बर्ड को आइक पर बहुत गुस्सा आया होता है। वो उसको अकेले पाकर उस पर अटैक करके जख्मी कर देता है और घसीटते हुए एक पत्थर के पास ले जाता है, जिसके बाद उसके सर को पत्थर पर रखकर अपने पैर से कुचलकर मार देता है। जब सुबह होती है तो क्लेरिस आइक को वहां पर ना पाकर परेशान हो जाती है। वो उसको ढूंढने के लिए जंगल की ओर चली जाती है। बर्ड भी वहां
नहीं था। जैक्सन और एलिजाबेथ के पास वहाँ से भागने का अच्छा मौका था, लेकिन जैक्सन बर्ट को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि बर्ट जैक्सन का दोस्त था, इसीलिए वो दोनों उसे खोजने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जैक्सन को बर्ट मिलता है जो आइक की डेड बॉडी के पास ही सोया हुआ था। फिर वो दोनों बर्ट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब क्लेरिस जंगल में आइक को ढूंढ रही होती है तभी पीछे से डेप्यूटी सोरेल्स आकर उसे पकड़ लेता है। हार्टमैन भी यहाँ पर आ जाता है और वो एलिजाबेथ पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। एलिजाबेथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके पैर में गोली मार देता है। ये तीनों भी अब जान जाती हैं कि हार्टमैन भी यहाँ पर पहुँच चुका है। एलिजाबेथ हेल्प मांगने के लिए हार्टमैन के पास जाने के लिए सोचती है, लेकिन जैक्सन उसे बताता है कि वो एक अच्छा ऑफिसर नहीं है और वो तुम्हें भी मार देगा। इधर हार्टमैन एलिजाबेथ को ट्रेलर के पास ले आता है और उससे पूछता है कि अंदर कौन कौन है, लेकिन एलिजाबेथ उससे कुछ भी नहीं बताती। जब एलिजाबेथ उससे कहती है कि तुम अपनी लड़की की मौत का बदला ले रहे हो तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद ये सभी ट्रेलर पर शूट करने लगते हैं। ये देखकर वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। डेप्यूटी ट्रेलर के अंदर जाकर चेक करता है लेकिन वहाँ पर उसे उस डेड बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अब वो सभी इनके पीछे अपने कुत्तों को लगा देते हैं। इन तीनों को कुछ दूर जाने पर एक मरी हुई कैडल दिखाई देती है। ये तीनों उसके अंदर छिप जाते हैं जिससे डॉग्स इनको नहीं ढूंढ पाते। जब डॉग्स वहाँ से चले जाते हैं तो वो तीनों बाहर निकलते हैं और भागने लगते हैं। तभी एलिजाबेथ की नजर ब्रिज पर जा रही गाड़ी पर पड़ती है, इसीलिए एलिजाबेथ उससे मदद मांगने लगती है। जैक्सन एलिजाबेथ को ऐसा करने से रोकता है लेकिन अब तक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर बैकअप बुला चुका होता है। पुलिस ऑफिसर को रोकने के लिए बर्ड उसकी ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर वो पुलिस वाला बर्ड को शूट करने लगता है लेकिन बर्ड उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। अब वो पुलिस ऑफिसर बर्ड के सर में गोली मार देता है। ये देखकर जैक्सन पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को बहुत मारता है। एलिजाबेथ कार को स्टार्ट करती है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब बर्ड की मौत से जैक्सन पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। वो एलिजाबेथ को ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारी वजह से बर्ड की मौत हुई है। तभी इनके पीछे हार्टमैन पड़ जाता है। वो इनके ऊपर गोली चलाने लगता है। ये दोनों उससे बचने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन तभी एक गोली जैक्सन के चेहरे पर लग जाती है जिससे उसका पूरा चेहरा ही खराब हो जाता है। इसके बाद एक गोली एलिजाबेथ के हाथ पर लग जाती है जिसकी वजह से उनकी कार क्रैश हो जाती है। इसके बाद जब एलिजाबेथ को होश आता है तो वो खुद को हार्टमैन की कार में लॉक पाती है, पर वहाँ पर हार्टमैन नहीं होता। ड्यूपिटी सोरेल हार्टमैन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एलिजाबेथ ड्यूपिटी सोरेल की आवाज सुन लेती है और उनको सब कुछ बता देती है, लेकिन तभी यहाँ पर हार्टमैन आता है और उसको लेकर एक पुराने बार यानी तबेले में आता है। और ये वही तबेला है जहाँ पर आज से 10 साल पहले सॉयर्स ने हार्टमैन की बेटी को मारा था। उसने यहाँ पर जैक्सन को भी लटकाया होता है। वो एलिजाबेथ को बताता है कि ये जैक्सन नहीं बल्कि जेट सॉयर है जिसने मेरी बेटी को मारा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्ना ने ड्यूपिटी सोरेल्स को अपना जासूस बनाया था। वो बर्ना के पास जाता है और बता देता है कि हार्टमैन ने जेट को पुराने बार्न में कैद करके रखा है। इसके बाद ड्रेटन सोरेल को घायल करके उसको खाने के लिए अपने पिक्स के पास फेंक देता है। अब पूरी सॉयर फैमिली जेट को बचाने के लिए निकल जाती है। बर्ना जैसे ही वहाँ पुराने बार्न में पहुँचती है तो हार्टमैन जेट को उसी गड्ढे में गिरा देता है जिसमें उसकी बेटी गिरी थी। इसके बाद वो बर्ना की ओर अपनी गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी पीछे से ड्रेटन आकर उस पर अटैक करके बेहोश कर देता है। जिसके बाद बर्ना जेट को लेकर सॉयर फार्म यानी अपने घर पर जाती है और जेट के फटे हुए चेहरे पर टांके लगा देती है। इन लोगों ने एलिजाबेथ और हार्टमैन को पकड़ कर रखा हुआ था। एलिजाबेथ खुद को अनटाई कर लेती है। हार्टमैन एलिजाबेथ से माफी मांगता है जिसके बाद एलिजाबेथ उसे भी अनटाई कर देती है। अब ये दोनों वहां से भागने लगते हैं लेकिन तभी सॉयर्स इनको पकड़ लेते हैं। इसके बाद बर्ना जेट को बुलाती है। जेट अपने हाथ में एक चैनसो लेकर आता है। बर्ना उससे हार्टमैन को मारने के लिए कहती है। इस बार जेट थोड़ा भी नहीं हिचकिचाता और चैनसो स्टार्ट करके हार्टमैन के दोनों हाथों को काटने के बाद उसके चेस्ट को फाड़ देता है जिससे हार्टमैन की यहीं पर मौत हो जाती है। एलिजाबेथ ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। उसे पकड़ने के लिए सॉयर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जेट भी अपने हाथ में चैनसो लिए हुए उसके पीछे जाने लगता है। एलिजाबेथ वहां से निकल ही चुकी होती है लेकिन तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और वहां पर जेट भी आ जाता है। फिर बर्ना भी यहां पहुंच जाती है और जेट से उसको मारने के लिए कहती है। एलिजाबेथ जेट को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। जिसके बाद एलिजाबेथ जैसे ही बर्ना के बारे में बुरा भला बोलने लगती है, जेट चैनसो से उसकी गर्दन को उड़ा
देता है। बर्ना ये देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद ये पूरी फैमिली मिलकर मर्डर के सारे सबूतों को मिटा देती है। इसके बाद हम जेट को बेसमेंट में देखते हैं, जो एलिजाबेथ के स्किन से मास्क बना रहा था। मास्क बनाकर वो अपने चेहरे पर लगा लेता है, जिसके बाद वो लेदर फेस बन जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।